मूवी की शुरुआत साल 2042 में एक दूसरी दुनिया के एलियंस के साथ खुलती है, जिन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण किया है और पृथ्वी के कई जगहों पर विनाश करना शुरू किया है। उनके पास आधुनिक हथियार हैं और पृथ्वी पर सबसे आखिरी पावर स्टेशन को भी नष्ट करने की कोशिश करते हुए उन्होंने इंसानों को बचाने वाली सेनाओं को भी मिटाना शुरू किया है। पर इंसान इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ सैनिक हैं जो विदेशी आक्रमण से लड़ने के लिए सीधे सौर पैनलों की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। उनमें अपना हीरो चेंको इस मिशन के बारे में सोच रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह अपने साहस को उनसे लदने के लिए इकट्ठा कर पाता, दुश्मन के तोपों द्वारा उनके हवाई जहाज पे हमला किया जाता है। इससे जहाज को भारी नुकसान होता है और वे तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगते हैं, जिस कारण सैनिक एक एक करके बाहर की ओर गिरने लगते हैं। जल्द ही विमान अंततः जमीन पर गिर जाता है और सौर पैनल से टकरा जाता है। सौभाग्य चेन किसी तरह गिरने के बाद भी बच जाता है। इससे पहले कि वह अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करे, उसे जल्दी से कमांडर के आदेश पर युद्ध के मैदान में भेज दिया जाता है। पर ऐसा लगता है कि सैनिक किसी भी तरह से एलियन के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते, और स्पष्ट रूप से एलियन के हथियारों के सामने सैनिकों का कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। एक विशाल एलियन आता है और अपने टेंटिकल से एक और सैनिक को भयानक रूप से मार देता है। पता चलता है कि वह यहां सभी को नष्ट करने के लिए आया है। एलियन के हथियार सभी को उड़ाते जा रहे हैं। तब सैनिक अंततः एक ढाल बनाकर पीछे हटने का फैसला करते हैं और उस एलियन की ओर गोलियां जारी रखते हैं, लेकिन ये केवल एलियन को और भी क्रोधित कर देता है, जिस कारण एलियन इंसानों की ओर दौड़ता है और सभी सिपाहियों को मारने लगता है। वह सभी को अलग अलग कर देता है और उन्हें बेरहमी से मारना जारी रखता है। एक अंतिम हमले के साथ एलियन अपने शरीर में एक ऊर्जा निर्माण करता है और उस ऊर्जा से सैनिकों पर प्लाज्मा टोफ छोड़ देता है, जिससे अब सैनिकों को बच पाना मुश्किल है। तब चेंज देखता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं और अब विशाल एलियन उसकी कहानी को खत्म करने के लिए उसके पास आ रहा है, पर उसको दूसरी तरफ से एक कमांडर द्वारा बचाया जाता है जो किसी भी कीमत पर एलियन से ये लड़ाई जीतना चाहता है। लेकिन अब चेन का कुछ और ही प्लान है और वह जल्दी से युद्ध के मैदान से भागने का फैसला करता है, जबकि उसके सभी दोस्तों को दुश्मन द्वारा भयानक रूप से मार दिया जा रहा है। चेंग अंततः एक गाड़ी के पास जाता है और खतरे से दूर जाने का फैसला करता है और अपने सभी साथियों को छोड़ के भाग जाता है। इस बड़ी लड़ाई को हारने के बाद से अब कुछ महीनों बाद इंसानों को बच पाना मुश्किल हो गया है, जिस कारण एक अलग पहचान के रूप में अपना हीरो कूड़ा फेंकने वाला बन गया है, ताकि वह किसी तरह इस दुनिया में जीवित रह सके। हालांकि इससे पहले कि चेन कुछ खोज सके, लोगों ने नोटिस किया कि एक एलियन ने उनकी जगह को ढूंढ लिया है। एलियन जल्दी से इसे अंदर आता है और बचे हुए लोगों को सूंघना शुरू कर देता है, जबकि अपना हीरो चुपके से भागने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि सब वहां से भाग पाते, एलियन ने उन्हें नोटिस किया और तुरंत अपने टेंटिकल का उपयोग करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वह डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि वह उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और उनका तेजी से पीछा करता है। यह महसूस करते हुए कि वे दुश्मन से आगे नहीं बढ़ सकते, चेंग अपने पास मौजूद सभी हथियारों का उपयोग करके वापस लड़ने की कोशिश करता है, पर उसे यह पता नहीं है कि उसे दूर से एक रहस्यमय टीम द्वारा देखा जा रहा है। चेंग अंततः एलियन से भागते हुए एक इमारत में आता है, जहां एक सैनिक एक ग्रेनेड लॉन्चर लेकर उसे इशारा करता है और एलियन पर ग्रेनेड से हमला करता है। इससे उन्हें वहां से दौड़ने का मौका मिलता है और वे इसे जल्दी से बाहर निकलते हैं, जबकि टीम क्षेत्र से बच निकलने के बाद उसे अपना परिचय देती है। ये पता चला है कि टीम का नेतृत्व कमांडर गाव करता है, जिसके साथ जॉन, आंद्रे और लीजा अपने कमांडर के हर मिशन में साथ रहे हैं। पर टीम लीडर को जल्दी से पता चलता है कि चेंग एक भगोड़ा सैनिक था और उसे फिर से कहीं पर भागने से रोकने के लिए गाव उसके गले में एक कॉलर डालकर उसे भी अब टीम का हिस्सा बनाता है। वह सबको बताता है कि उन्हें यहां के क्षेत्र की जानकारी के लिए चेंग की जरूरत है, क्योंकि उन्हें एक उच्च रैंकिंग जनरल से पास से एक मैसेज मिला है, जिससे पता चलता है कि एलियंस यहां पर सीक्रेट बेस का निर्माण कर रहे हैं। बहुत जल्द लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों के साथ निकलते हैं और अंततः पास के एक शहर में पहुंचते हैं, लेकिन जल्दी से महसूस करते हैं कि कुछ गलत है। तब ग्रुप ने नीचे पड़े लाशों के एक झुंड को नोटिस किया, जो हाल ही में मारे गए थे, और बहुत सावधानी से अंदर जाने का फैसला किया। तभी अचानक टीम को एक महिला की चीख सुनाई देने लगती है, क्योंकि एक आदमी मरने से पहले एक काम पूरा करना चाहता है, लेकिन सौभाग्य से वह जल्दी से लिजा द्वारा रोक दिया जाता है और उसके अक्रोड फोड़कर पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देती है। पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये सब केवल एक जाल था, क्योंकि पूरी जगह पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने यहाँ रहने वाले पिछले बचे लोगों को मार डाला था। तब दस्यु लुटेरों का नेता गांव से कहता है कि वह उनका सब सामान यहाँ पर छोड़ दे जो उनके पास है, जिसमें उनकी महिला साथी भी शामिल है। तब वह तुरंत कमांडर को झुकने के लिए मजबूर करता है, पर जॉन ये देखता है और अपने ड्रोन को स्टॉर्ट करने का मौका लेता है, जो जल्दी से दुश्मनों की ओर फायरिंग शुरू कर देता है और सैनिकों को वापस से लड़ने का मौका देता है। टीम अंततः कई डाकुओं को मारने में कामयाब रही है, जबकि चेंग एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है। तब वह सैनिकों को भी इमारत के अंदर भागने के लिए मजबूर करता है, पर वह चेंग का पीछा करते हुए दुश्मनों को खत्म करना जारी रखते हैं।
गांव अंततः चेन को पकड़ने में कामयाब होता है, तब वह उसे सरेंडर करने का अंतिम मौका देता है। हालांकि चेन कमांडर के झांसे में न आने की कोशिश करता है और बिजली के कॉलर को बंद करने वाला है, लेकिन जैसे ही वह बटन दबाता है वह खुद को ही झटका देता है। इससे पहले कि गांव उसे बाहर ले जाए, बहुत जल्द गांव किसी को देख और हमें पता चलता है कि वह एक महिला है जिसका नाम दोजी है और वह सीक्रेट बेस की वजह से यहां है। तब लोग तुरंत एक बार फिर बाहर निकलते हैं, जबकि दोजी बताती हैं कि उनकी टीम ने एलियंस के खिलाफ एक हथियार विकसित किया है और उन्हें तुरंत रिसर्च बेस की तरफ बढ़ना चाहिए। तब कुछ समय बाद समूह अंततः एक रेगिस्तान में आता है, जहां उन्हें एक पुलाने से पहले रुकने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि एक एलियन मैदान पार करने के रास्ते पर सिक्योरिटी गार्ड की तरह पहरा दे रहा है। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण कमांडर एक मस्त प्लान बनाने की कोशिश करने लगता है और वे चेन को एलियन को लुभाने के लिए चारे के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। तब चेन गांव को ऐसे देखता है मानो उसकी दोनों किडनी मांग ली हो। तब चेन को एलियन की ओर घुसने के लिए मजबूर किया जाता है और चेन समझ चुका है कि इन लोगों की वजह से वह कुंवारा है मरने वाला है, पर अन्य सभी सैनिक किसी भी समय गोली चलाने की तैयारी रहते हैं। बहुत जल्द वह एलियन की नजर से बचते हुए एक ट्रक की ओर जाता है और जल्दी से अंदर भाग जाता है। प्लान के मुताबिक वह एलियन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हॉर्न बजाने के बजाय वह कमांडर के प्लान को तेल लेने भेज देता है और जल्दी से यहां से भागने का फैसला करता है, पर उसे यह पता नहीं है कि एलियन ने सैनिकों को खोज निकाला है, जिस कारण लोगों को तुरंत एलियन की ओर गोली मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब दुश्मन जल्दी से अपने तोपों को चार्ज करता है और युद्ध के मैदान में सैनिकों पर बमबारी करना शुरू कर देता है, जिस कारण उन्हें तुरंत छिपने के लिए मजबूर किया गया है। अब अपना हीरो देखता है कि उसके साथी एलियन के हथियारों से पूरी तरह से जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हुए वह ट्रक एलियन की तरफ चलाने का फैसला करता है और रिवर्स गियर में ले जाते हुए एलियन को एक दीवार पर फंसाता है। मौके के फायदा उठाते हुए दोजी जल्दी से कमांडर को एक एक्सपेरिमेंट ग्रेनेड हथियार देती है और दावा करती है कि वह एलियन के खिलाफ काम करेगा। गांव तब प्लाज्मा ग्रेनेड लेता है और ट्रक की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे एलियन देख लेता है और गांव की ओर फायर करता है, जिस कारण प्लाज्मा ग्रेनेड भी नीचे गिर पड़ा है। तब जॉन मौका लेता है और ट्रक की ओर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिस कारण एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन एलियन के कमाल की ढालों के कारण वह पूरी तरह से सुरक्षित है। पर यहाँ पर चेन प्लाज्मा ग्रेनेड देखता है और सीधे एलियन की ओर चार्ज करते समय पर एलियन पर ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद तेज बिजली के झटकों के कारण एलियन हिल भी नहीं पा रहा है। तब गांव ये देखता है और एक कार्गो ट्रेन की ओर एक बाजू का फायर करता है, जो एलियन पर गिरती है और उसे मार देती है। अंततः लड़ाई खत्म होने के बाद दोजी अपनी टीम को समझाती है कि प्लाज्मा ग्रेनेड एलियन के ही तकनीक से बनाया गया है, जो एलियन की सुरक्षा कवच को बंद कर सकता है, जिसके बाद बिना वक्त जाया करे सब लोग रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखते हैं और वे संकेत की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें अपने उच्च अधिकारी से मिला था। कुछ समय बाद अब वे एक बड़ी चट्टान की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन्हें पहाड़ों के नीचे एक विशाल प्रवेश द्वार छिपा हुआ दिखाई देता है। तब टीम जल्दी से गुप्त बेस की ओर जाती है। जैसे ही वे एक विशाल दरवाजे के सामने आते हैं, दोजी सैन्य कोड दर्ज करके प्रवेश द्वार को अनलॉक करने में कामयाब होती हैं। बहुत जल्द सब लोग विशाल द्वार से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे एक विशाल सुरंग का खुलासा करते हैं, लेकिन जल्द ही नोटिस करते हैं कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि एक भी इंसान आसपास नहीं लगता है। तब लोग जल्दी से एक और दरवाजे को खोज लेते हैं और हैरानी से देखते हुए अंदर आने लगते हैं, लेकिन ये देखकर चौंक जाते हैं कि उनके जनरल को एलियंस द्वारा एक डिवाइस के अंदर फंसा दिया है। तब सैनिकों को जल्दी से एहसास होता है कि उनको जो मैसेज मिला वह एक जाल है, क्योंकि एलियन लोगों पर हमला करने के लिए बाहर निकलना शुरू करते हैं। तब जल्द सब लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और यहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। एक अंततः एक कमरे में भागने में कामयाब होते हैं और जल्द वे एलियन को बाहर रखने के लिए तुरंत दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन और भी एलियंस अब उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं और दरवाजों को पीटना शुरू कर देते हैं। कमांडर को पता चलता है कि वह ऐसे उन्हें नहीं रोक सकते और वह वैन से बाहर निकलने का फैसला करता है, जबकि अंततः दुश्मनों के पीछे एलियन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगा है। तब सब लोग जल्दी से सुरंग से बाहर निकल जाते हैं और अंततः बाहर की तरफ निकल आए हैं, पर उन्हें यह एहसास होने लगता है कि उनकी जान बचाने के लिए कमांडर ने खुदे को सैक्रिफाइस किया। तब सैनिक ट्रक पर चढ़ जाते हैं और जल्दी से क्षेत्र से दूर भाग जाते हैं, लेकिन जल्द ही देखते हैं कि उनका कमांडर अभी भी जीवित है और एलियन से दूर भाग रहा है। एलियन से गांव को अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि दुश्मन सैनिकों की ओर लगातार फायर करते हैं और उनके रास्ते में सब कुछ उड़ा देते हैं। पर अब सौभाग्य से कमांडर अंततः गाड़ी पर चढ़ने में सफल हुआ है, जबकि वे सब अंतिम क्षण में एलियन को पीछे छोड़ चुके हैं। पर कमांडर को जल्दी से पता चलता है कि जॉन विस्फोटों से घायल हो गया है, जिस कारण कुछ ही समय बाद उसकी की मौत हो जाती है। तब सब लोग अंततः उस क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। सब लोग अपने दोस्त की मौत के लिए शोक मनाते हैं और उसे एक अंतिम अलविदा कहते हुए दफना देते हैं। इतनी भयानक स्थिति के बावजूद भी कमांडर इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है।
क्योंकि अब वे उस एलियन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं जिसे उन्होंने मार डाला था। एलियन से एनर्जी क्रिस्टल निकालने के बाद दोजी उसकी मदद से एक बड़ा प्लाज्मा ग्रेनेड बनाने लगी है जो उसके पास मौजूद पहले प्लाज्मा ग्रेनेड से कई गुना बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह जल्द ही वे झूठे संकेतों को रोकने के लिए एलियन के बेस को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। तब सब लोग अंततः इमारत की ओर वापस आने लगे हैं। तब टीम वन चुपके से वायु नलिकाओं का उपयोग करके बेस के अंदर आने लगे हैं। पर गांव को जल्दी से पता चलता है कि उन्होंने जितना सोचा था उससे कई हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि बेस के अंदर उनकी उम्मीद से ज्यादा एलियन उन्हें दिखाई पड़ते हैं। तब गांव के प्लेन के मुताबिक टीम टू जल्द ही मिसाइल को तैयार करने के लिए शुरू हो चुके हैं और वे इमारत की ओर बड़े विस्फोट करना शुरू कर चुके हैं। पर उनके ये हमले सभी एलियन को उनकी गाड़ी की ओर भागने का कारण बनता है। तब वे ड्रोन का उपयोग करते, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन उन एलियंस तक पहुंचे, एलियंस ड्रोन को नीचे गिरा देते हैं जिससे ग्रेनेड भी गिर जाता है। अपनी नाकामयाबी को अपनाते हुए टीम टू को वाहन से बाहर निकलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। पर अब वह उनके सिर पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उसी समय टीम वन एक बार फिर से कंट्रोल रूम तक आने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि अब वे यहां से सिग्नल को बंद करने की योजना बनाते हैं। लेकिन जल्दी से देखते हैं कि एलियन जैसे उन पर घात लगाए हुए उनका ही इंतजार कर रहे हैं, जिस कारण चेंग और गाओ को उस पर गोलियां चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तब कमांडर एलियन को चेंग से दूर ले जाना शुरू कर देता है और कमरे से बाहर निकलने के लिए एलियन को मजबूर करता है। तब दोजी मौका लेते हुए एलियन डिवाइस को बंद करना शुरू कर देती है और वह बची हुई सेनाओं को चेतावनी देने के लिए मशीनों का उपयोग करते हुए वह सबको बताती है कि यह सिग्नल एक जाल के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ चेंग गांव के साथ एलियन से बचना जारी रखता है, लेकिन कमांडर को पता चलता है कि वे हमेशा के लिए यहां पर एलियन को नहीं रोक सकते, जिस कारण वह चेंग को दरवाजे के पीछे बंद कर देता है, क्योंकि वह उनको यहां से बचाने के लिए खुद को बलिदान करने वाला है। जिसे देख चेंग बस कमांडर को देख ही रहा है। तब कमांडर बम को अपनी छाती पर रखता है और एलियन के कमरे में घुस जाता है और गांव एलियन पर चिल्लाते हुए गोली मारना शुरू करता है। पर एलियन कमांडर के पेट में अपना टेंटिकल घुसाते हुए उसे दीवार पर पटक देता है, लेकिन अब कमांडर अंततः बम को ट्रिगर करता है और एलियन सहित सब कुछ उड़ा देता है। वहां से निकलते हुए चेंग जल्दी से अपनी टीम के साथी की ओर दौड़ता है और बाहर निकलने में भी कामयाब होता है, लेकिन जल्द ही नोटिस करता है कि प्लाज्मा ग्रेनेड नीचे गिरने के बावजूद भी बंद नहीं हुआ है। दोजी ये देखती है और जल्दी से एलियन पर शूटिंग करके उनको विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब एलियन के साथ दोजी का ये कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। पर इससे चेंग को बम को पकड़ने का मौका मिलता है और वह सभी एलियंस को चिल्लाते हुए अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। एलियंस के हमलों से बचने के दौरान चेंग एलियंस की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि चेंग कुछ और चाल चल पाता, वह जल्दी से देखता है कि वह पूरी तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिस कारण वह हवा में उछालते हुए प्लाज्मा हथियार को सक्रिय कर देता है जो शॉकवेव निर्माण होती है, जो एक ही समय में सभी एलियंस को पूरी तरह से जगह पर ही रोक कर एलियंस को नष्ट कर देती है। जिसके बाद अंततः चेंग अपने दोस्त के साथ फिर से जुड़ जाता है और अपने कमांडर को याद करता है। इससे पहले कि दोनों अपनी जीत का जश्न मना सकें, वे देखते हैं कि विशाल अंतरिक्ष यान उनकी ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह सब सेनाएं एलियंस से लड़ने के लिए आई हैं, तब वे एवेंजर्स की तरह युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं और हम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कराते हैं कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।